गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टैंडर्ड 8, सब्जेक्ट इंग्लिश, 4.3, पोयम नेम इज़ द बीज। बीज तो आपको पता ही होगा, किसे बोलते हैं? मधुमक्खी को। द बीज इज़ अ वंडरफुल पोएम रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, विलियम शेक्सपियर। हियर द पोएट गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ बीज किंगडम एंड हाउ दे ऑपरेट इन कम्युनल वे। इस पोयम में हमको ये सीखने को मिल रहा है कि एक मधुमक्खी अपना रूटीन वर्क डेली का वो कैसे करती है। वो इस पिक्चर में आपको क्या समझ में आता है कि एक जो मधुमक्खी है, बी है, वो फूलों का रस पीते हुए वो अपना नेट को भरती है। ठीक है, किससे भरती है? हनी से भरती है। तो वो अपना रूटीन वर्क कैसे करती है, तो ये पोयम इन शॉर्ट आपको दिया गया है। सो वर्क द हनी बी क्रिएचर दैट मे रूल इन नेचर टीच। और ये हमें क्या सिखाता है? नेचर टीच, यानी कि प्राकृतिक हमें क्या सिखाती है, प्रकृति हमें क्या सिखाती है कि हर एक अपने अपने बीज का अलग अलग, या अलग अलग इंसेक्ट का, या अलग अलग ह्यूमन बींग्स का अपनी अपनी क्वालिटी होती है। द आर्ट ऑफ ऑर्डर टू अ पीपल किंगडम, दे हैव अ किंग एंड ऑफिसर ऑफ सॉर्ट्स, वे आर सम लाइक मैजिस्ट्रेट करेक्ट एट होम। मैजिस्ट्रेट मीन्स सिविल ऑफिसर हु एडमिनिस्टर्स लॉ, कि जो मालिक है इन सब चीज़ों का वो। सॉर्ट्स मीन्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, तरह तरह के जो इनका दिन का काम है वो। अदर्स लाइक मर्चेंट्स वेंचर ट्रेड अब्रोड, अदर्स लाइक सोल्जर आर्म्ड इन स्ट्रिंग्स। हियर द पोएट गिव्स अ विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ द बीज किंगडम एंड हाउ दे ऑपरेट कम्युनल वे। दे हैव अ किंग एंड ऑफिसर सॉर्ट्स, दे हैव ऑल्सो हैव टू मेंटेन डिसिप्लिन इन ऑर्डर टू रन देयर लाइफ दैट बिहेव्स। There are different classes of bees engaged in diverse work, such as magistrate bees to do the corrective work, while the other venture a fourth commerce like merchants. यानी कि जैसे हम human beings का हमारा काम क्या, पढ़ाना, आप लोगों का काम क्या, पढ़ना, तो मैं टीचर हूँ, आप स्टूडेंट्स हो, तो इसे उसी तरह से ये बीव्स यानी कि जो मधुमक्खियाँ हैं उन लोगों का भी अपना एक मालक होता है, एक मर्चेंट यानी व्यापारी होता है, सोल्जर होता है। ऐसा ही इमेजिनेशन पोयम है, ऐसा विलियम शेक्सपियर ने पोयम बनाया हुआ है। बहुत ही अच्छा है, इमेजिनेशन है। मेक अ बूट अपॉन द समर्स वेलवेट बर्ड्स विच पिलेज दे विथ मैरी मार्च ब्रिंग होम। मैरी मार्च मीन्स डेवलपमेंट और बर्ड्स मतलब कली, जो कली के पास जाना, उसका रस पीना। पिलेज मीन्स लूट पड़ना उसमें। ठीक है, to let to the tent royal of their emperor who busied in his majesty survey the singing monsoon mason building of roots roof of gold the civil citizens kneading up the honey the poor mechanic potters crowding in their heavy burdens at his narrow gate the sad eyed justice with his Surely hum delivering over the executive pail the lazing yawning drone. See the meanings, busied yani very, be very engrossed, needing to mix uniformly. Surely bad delivering handling over executors a person who carries out a death sentence and drone means मेल बी, जो मेल बी होता है उसे ड्रोन बोलते हैं और जो फीमेल होता है उसे बीव्स बोलते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है? द सोल्जर बीज प्रोटेक्ट देयर हाइव्स एंड एम्पायर सुपरवाइव्स द मैसन बी हु बिल्ड द हाइव्स। देयर आर अदर लेबरर बीज दैट डू द जॉब डिलीजेंटली द बीज नेचुरली लर्न द आर्ट ऑफ ऑर्डर दो They are insect. They have capability to teach human beings the art of order. In fact, you can learn a lot of about how to run well-ordered kingdom from these insects. इनका भी अलग ही स्टोरी है बीज का, कि खुद जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही ये लोग भी रहते हैं।
बट ये लोग क्या बातें कर पाते हैं क्या? नहीं, ये लोग अपने में ही अलग लैंग्वेज में लोग बातें करते हैं, और वैसे ही अलग मालिक है उसके अंडर काम करने वाला, जो काम कर रहे हैं उनका क्या काम है। और वैसे सब लोग जितने भी बीज होते हैं वो फूलों का रस पीते हैं और वो नेट पे भरते जाते हैं, ठीक है। तो उन लोगों का काम है कि ये काम करते रहना, ठीक है। द बीज नेचुरली लर्न द आर्ट ऑफ ऑर्डर, दो दे आर इंसेक्ट दे हैव कैपेबिलिटी टू टीच ह्यूमन बींग्स द आर्ट ऑफ ऑर्डर। ह्यूमन बींग्स के जैसे ही वो लोग रहना चाहते हैं। इनफैक्ट यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ अबाउट हाउ टू रन वेल किंगडम फ्रॉम दिस इंसेक्ट्स।